बीते सोमवार को कांगड़ा जिला के धर्मशाला में आए जलजले के चलते शाहपुर के बो में आए भूस्खलन हादसे के दौरान अपने माता पिता को नई जिंदगी देने वाली 7 वर्षीय वंशिका सकुशल अपने नानी के घर पे है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक वंशिका पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, पर हकीकत यह है कि वह पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी नानी के घर करेरी में है। पीजीआई में एक अन्य बच्ची अवंतिका दाखिल है। अवंतिका की माता को भी चोटें पहुंची थी तथा वह अब भी शाहपुर अस्पताल में उपचाराधीन है। वंशिका की अगर बात करें तो हादसे के दौरान वे अपने पिता व माता के साथ मलबे में दब कर घर में ही थी। वंशिका मलबे में दबे होने के बावजूद न केवल अपने माता पिता को हौसला देती रही बल्कि उन्हें नया जीवन भी दिया। वंशिका ने हिम्मत दिखाते हुए एक के बाद 10 फोन कर लोगों को अपने वो अपने परिजनों के दबे होने की बात कर सहायता मांगी। अंत में उन्होंने अपने अध्यापक सुरेंद्र को भी फोन किया तथा उसके बाद लोग उनकी मदद के लिए घटनास्थल पर दौड़े। लोगों ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लेंटर तोड़कर वंशिका उनके माता पिता को जीवित बाहर निकाला। हालांकि इस दौरान उनकी 1.5 साल की छोटी बहन को जीवित नहीं निकाला जा सका। वंशिका के पिता विजय की माने तो वे रुलेहड़ में अपनी पत्नी व 2 बच्चियों के साथ किराए पर रह रहे थे। वे बोही में एक निजी विद्युत प्रोजेक्ट में काम करते हैं। घटना वाले दिन वे छुट्टी पर थे तथा घर के बरामदे में खड़े थे। ऊपर से एकदम मलबाता देखकर वे अपनी बच्चियों व पत्नी को बचाने के लिए कमरे की तरफ दौड़े, लेकिन चंद सेकंड में ही वे सभी मलबे में दफन हो गए। उन्होंने बताया कि मेरा एक मुंह और एक हाथ ही मलबे में बाहर रहा, जबकि बाकी का शरीर मिट्टी में फंस गया था। उन्होंने कहा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक समय था तो भगवान से प्रार्थना की कि जल्द मौत दे दे, लेकिन तभी वंशिका की आवाज सुनाई दी। वंशिका ने मुझे और पत्नी को हौसला देता हुए बाहर निकलने के लिए भी वह हौसला देती रही। उन्होंने कहा कि वंशिका ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे वो मेरे पूरे परिवार को हिम्मत दी है, जिससे आज हम जिंदा हैं। आपका नाम? सर विजय कुमार। आपकी उम्र? 40 साल। क्या करते हैं आप? सर मैं हाइड्रो प्रोजेक्ट लेंको में काम करता हूँ। लेंको में काम करते हैं? कहाँ करते हैं? यहीं करते हैं? वो में सर। वो में करते हैं? उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थे, वहीं पे रेस्ट थे सर, छुट्टी पे थे। छुट्टी पे आए हो? तो ये जो घटना घटित हुई थी उस वक्त आप कहाँ थे? घर के बाहर थे, घर के अंदर थे, क्या स्थिति थी? सर घर के बाहर था पहले में, उसके बाद फिर जो मलबा आ गया ऊपर तो मैं अंदर की तरफ भागा बच्चे निकालने के लिए। तो बस मैं बच्चों तक नहीं पहुंच पाया था सर, बस घर के बरामदे तक पहुंचा था, फिर उसकी स्पीड में आ गया था। कितने घंटे आप वहीं पे रहे मलबे के अंदर? कम से कम 6 घंटे सर। 6 घंटे? किसने बचाया फिर आपको? सर स्थानीय लोग थे, लोकल लोग थे, स्थानीय उन्होंने। क्या नाम है आपको? रचना। उम्र क्या है आपकी? 30 साल। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में। घर में ही होते हैं। जब ये घटना घटित हुई थी उस वक्त आप क्या कर रही थी और कौन कौन था घर में उस वक्त? उस वक्त 2 बेटियां मेरी, एक सो रही थी, एक फोन देख रही थी अंदर, और मेरे हस्बैंड बाहर थी नाले में पानी देख रहे थे, उसको बना रही थी उसकी जगह। मैंने उसको बुलाने गई कि इधर आ जाओ, पानी आ रहा है ऊपर से जा रहा है। मैं देखने गई तो ऊपर से बादल फट गया, भाग के अंदर आए, अपने बच्चे को उठाने तो नहीं बचा सकी, वहीं दब गए हम। कितने घंटे आप अंदर ही रहे? 7-8 घंटे अंदर रहे। क्या जान कैसे बची, कैसे क्या? पता नहीं, भगवान की दया से जान बच गई। एक हमारा बच्चा था, उसने बचाई हमें, मतलब रखी सुने। क्या नाम है उनका? वंशिका। अच्छा, वंशिका ने आप फोन किया था उनको? वंशिका बोली मम्मा मेरे सर को फोन करो, उनको बोलो कि हमें बचा लो। उनको फोन किया तो वो बेचारे आ गए थे बेचारे, बोले मेरे हाथ थे तो हम आज जिंदा नहीं होते। क्या नाम है आपका? निर्मला। निर्मला जी क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, घर में बस पशु वगैरह। कहाँ के रहने वाली हैं? नौली। नौली। सुनने में आया कि जो वंशिका है जी, वो आपकी दोती है। दोती। वो उनकी जो बातचीत आपके साथ हुई होगी अभी वो आपके पास है? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? जो वंशिका आपके पास अभी फिलहाल क्या बताया उन्होंने? वंशिका मेरे घर पहुंची पर जोर से जफ़ी मारी, बोले माँ तू, बोले हमको किसने बचाया? वो माता है मारी, वो माता आई थी बोले हमारे घर में, उसने बचाया बोले हमको। और मैं तो वाजे दे रही थी पापा को, मम्मी को, मम्मी हार गई थी, पापा भी हार गए थे, मेरे को कुछ डर नहीं लगा था, मैं नहीं आ रही थी, मैं तो आवाज़ दे रही थी पापा को भी मम्मी को भी,
सोना मत सर आ रहे हैं हमारे, सर आ रहे हैं। मैंने माती कहती है ना मेरे को, बोले माती 10 फ़ोन किए मैंने। मैं कह आपकी गिनती कैसे, मैंने देख लिए थे पापा के फ़ोन में जिन जिन दोस्तों के नंबर आए थे पापा के दोस्त के, उनसे सबको फ़ोन किया था, सर जी हमें बचाओ बचाओ, हम फंस गए, हमारा मकान गिर गया ऊपर, हमें बचाओ बचाओ। फिर आगे वो आवाज़ झूठी आवाज़ मारती उसने कि मम्मी घबराना मत, आगे ऊपर आगे, तो ऐसी ऐसी आवाज़ मार रही थी, बोली झूठी। तो माती 7 घंटे से बाद आ गए थे, 7 घंटे का नहीं होते, 7 घंटे से बाद आगे बोले तो हमें बचा लिए सर ने, हमको बचा लिए। उस वक्त एक तरह से काल कोठरी में थे अंदर, बिल्कुल अंधेरे में, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बोले मेरा दम घुट रहा था, फिर लास्ट में बड़ी कोशिश की थी, बोले लास्ट में तो मेरा दम घुट रहा था। तो फोन कैसे लग रहा था, फोन पूरा लग रहा था? थोड़ा टाइम से लगा ना, फिर तो बंद हो गया था, फिर बंद हो, लास्ट में तो बंद हो गया था। थोड़े टाइम लगा था ना फोन, बाद में थोड़ी नहीं लगा, बस स्टार्ट में लगा था, बाद में तो बंद हो गया था। बाद में नहीं लगी रहा, हम वापस कर रहे थे तो नहीं लग रहा था, फिर तो हम तो यही सोचा कि खत्म हो गया अब नहीं लग रहा था। फिर भी कोशिश की थी ना आने की, तो आज दे रहे थे तो झूठी आवाज दे रहे थे, तो अल्लाह पा रखा था ना मम्मी को पापा को जगाने का, सोना मत आप सोना मत। लास्ट तक आवाजें लगाती रही, पता नहीं इसको सुनाई दे रहा था, लेकिन ये तो आवाजें दे रही थी। लेकिन मम्मी तो साथ ही थे ना उनके, मम्मी साथ बैठी थी ना, मम्मी तो बिल्कुल एक बच्ची पास में ख़त्म हो गई थी, मम्मी क्या करती, मम्मी तो बैठी थी ना ऐसे, तो मम्मी को आवाज़ दे रही थी ना मम्मी सोना मत खड़े हो जाओ, आ रहे हैं हमें बिछाना है, आ रहे हैं। कितने साल की हो? 6 की हुई, 7वां लग रहा है अभी, 7वां लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? दूसरी। ठीक है, आपका नाम? निर्मला। ठीक है।